वेलकम गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो गाइस, आज दिनेश स्वत सर आपको बताएंगे कि ड्रिप सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करें। नमस्कार दोस्तों, वत्स गार्डनिंग में आपका स्वागत है। हम आप लोगों को आज ड्रिप सिस्टम कैसे लगाया जाए गार्डन के अंदर, ये आप लोगों को सिखाएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि हमें इस ड्रिप सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी कि काम की अधिकता के कारण कभी कभी ऐसा होता था कि पानी बहुत ज़्यादा गिर जाता था और कभी कभी पानी बहुत कम गिर पाता था, जिसके कारण हमारे पौधे जो थे उनकी जड़ें खराब हो गई और पौधे आपके हमारे सूखने लगे। मैं अपने एक दोस्त के पॉली हाउस पर गया और वहाँ से मैं एक 40 फुट का पाइप लेके आ गया। मैं वहाँ से लेके आया हूँ, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये 16 mm का पाइप है जिसके अंदर जिसमें एक एक फुट पर आपके होल बने हुए हैं, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। उसके अलावा मैंने टैप कनेक्टर, एल्बो कनेक्टर और आपके पास टी शेप कनेक्टर, ये मैंने अमेजोन से बाय किए हैं। ड्रिप लगाने से पहले हमें अपने गार्डन का फ्लो चार्ट बनाना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैंने सबसे पहले अपने पॉटों को अरेंज किया और उसके अंदर मैंने ड्रिप की पाइप बिछा ली। और जैसे कि मैं आपको ये एक बोर्ड के ऊपर ये चार्ट दिखा रहा हूँ, इस चार्ट को आप देखें, इस तरह से मैंने पूरे गार्डन के अंदर अपने उसको लगाया हुआ है। ये मेरी मेन टैप है और यहाँ से मैंने यहाँ पर एक जो टी शेप लगाया है और उसके लिए मैंने एक ड्रिप पाइप इधर भी दिया है और एक इधर भी दिया है। उसके लिए मैं इधर और इस तरफ यहाँ पर मैं टैप कनेक्टर लगाऊंगा, जिससे कि अगर मुझे पानी इधर देना है तो मैं इसको ऑन कर दूंगा और इधर पानी मुझे नहीं देना है तो इसको मैं ऑफ कर दूंगा। इस तरह से ये पूरी पाइपलाइन मैंने अपने पूरे गार्डन के अंदर इसको अरेंज कर दिया है। मैं लगाया हुआ ड्रिप सिस्टम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए आप इसे। देखो यहाँ पर, ये देखो मैंने ये एल्बो कनेक्टर लगाया हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एल्बो कनेक्टर लगाया हुआ है नीचे मैंने। और इधर देखो, पाइप को बंद करने के लिए मैंने ये एंड कनेक्टर लगा दिया है यहाँ पर। मैंने टैप कनेक्टर लगाया हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये मेरे पूरे गार्डन का आप ड्रिप सिस्टम का व्यू देख सकते हैं आप लोग। इस तरह से मैंने उसको अरेंज किया है सेम से, आप इसको ध्यान से अब देखें। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।